हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर एंजॉयिंग आवर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर फोर्थ एंड द चैप्टर नेम इज इन माय होम. इन माय होम मींस मेरे घर के अंदर. इस चैप्टर में हमें ये बताया है कि हम जो है हमारी चीज़ें कहाँ रखते हैं, लाइक बेडरूम में क्या रखते हैं, किचन में हम क्या करते हैं, जो है किचन में हम क्या करते हैं, स्टडी रूम में हम क्या करते हैं, और जो है घर के बाहर जो है हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, और हॉल जो होता है हमारे घर का उसके अंदर हम क्या चीज़ें कौन सी चीज़ें रखते हैं. इस तरह हम हमारे घर के अंदर बेडरूम में, ड्राॅइंग रूम में, किचन में, ये सब इन जगहों पर क्या क्या चीज़ें रखते हैं, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर फोर्थ. जैसे ये जो स्टडी बुक है ये हम कहाँ रखते हैं, स्टडी रूम में रखते हैं. शू रैक है ये हम कहाँ रखते हैं, आउटसाइड द हाउस. और सोफा जो है वो हम कहाँ रखते हैं, सोफा हम हमारे ड्राइंग रूम में रखते हैं. साइकिल है ये हम आउटसाइड द हाउस घर के बाहर रखते हैं. मैट है ये हम ड्राइंग रूम में रखते हैं. ये जो है फुट मैट जो है, इस मैट को हम कहाँ रखते हैं, डोर मैट जो होता है, डोर मैट को हम घर के बाहर रखते हैं. एंड टेबल है, टेबल को हम स्टडी रूम में भी रखते हैं. ये बकेट है, बकेट को हम कहाँ रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं. एंड लैम्प, लैम्प को हम कहाँ रखते हैं, लैम्प को हम स्टडी रूम में रखते हैं. ठीक है, तो इस तरह इस चैप्टर में हमें चीज़ें जो है कहाँ रखते हैं इस बारे में हमें बताया गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर. This is my sweet home. Sweet means प्यारा, ये मेरा प्यारा घर है. Home means घर. My home is small but beautiful. Small means छोटा, मेरा घर छोटा है but beautiful means सुंदर है. It is near a park. ये किसके पास में है, near means पास में. मम्मा, मम्मी is cooking in the kitchen. और मम्मा क्या कर रही हैं, किचन में खाना बना रही हैं. किचन means रसोई, cooking means खाना बनाना. पापा इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. पापा क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. रीडिंग मीन्स पढ़ना. ही इज सिटिंग ऑन अ सोफा सेट. और पापा कहाँ बैठे हैं, सोफा सेट पे बैठे हुए हैं. माय ब्रदर अन्नू इज होल्डिंग अ बॉल. होल्डिंग मीन्स पकड़ना. उसने क्या कर रखा है, ब्रदर अन्नू ने बॉल को पकड़ रखा है. आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर. और मैं एक पिक्चर बना रही हूँ. ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन द लॉन. और जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हैं, दादा दादी हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिटिंग मीन्स बैठना, कहाँ बैठे हुए हैं, इन द लॉन. लॉन मीन्स बगीचा, घर का जो बगीचा होता है उसको बोलते हैं लॉन. दे आर टॉकिंग. और वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. टॉकिंग मीन्स बात करना. आर पप्पी इज स्लीपिंग इन द बास्केट. और जो हमारा पप्पी है, जो पैट है, वो क्या कर रहा है, स्लीपिंग इन द बास्केट. बास्केट यानी टोकरी में सो रहा है. पप्पी जो डॉग का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं. पप्पी किसको बोलते हैं, डॉग के बेबी को. आर कैट इज सिटिंग ऑन द मैट. और जो कैट है वो क्या कर रही है, वो मैट के ऊपर बैठी हुई है. जो मैट है उसके ऊपर कैट बैठी हुई है. मैट दिख रही ना, इसके ऊपर कैट बैठी हुई है. द पप्पी एंड द कैट प्ले टुगेदर. पप्पी और कैट साथ में खेलते हैं. टुगेदर मीन्स साथ में. आई ऑल्सो प्ले विथ पप्पी एंड द कैट. और मैं जो हूँ वो मैं भी पप्पी और कैट के साथ में खेलती हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर वन, हु इज कुकिंग इन द किचन. कुकिंग मीन्स खाना बनाना. कौन खाना बना रहा है किचन में, आंसर, मम्मी इज कुकिंग इन द किचन. मम्मी रसोई में खाना बना रही है. किचन मीन्स रसोई. क्वेश्चन नंबर टू, हु इज होल्डिंग अ बॉल. बॉल किसने पकड़ रखी है, अन्नो इज होल्डिंग अ बॉल. होल्ड मीन्स पकड़ना. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज स्लीपिंग इन द बास्केट. बास्केट में कौन सो रहा है, अ पप्पी इज स्लीपिंग इन द बास्केट. पप्पी मीन्स डॉग का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं पप्पी, वो बास्केट में सो रहा है. क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज सिटिंग ऑन द मैट. मैट पे कौन सो रहा है, अ कैट इज सिटिंग ऑन द मैट. ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड
रीडिंग ऑफ चैप्टर 4th, ओके, एंड क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू.